नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ प्रदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो आज हमारे सामने खड़ी है एक गाड़ी सीमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं जो है सीमेंट का जो है गाड़ी चलाने गया था, तो वो यही गाड़ी थी। ठीक है, इसमें दूसरा ड्राइवर था, तो मैं इसका जो है चक्कर लगा कर आया था एक। फिर मुझे काम नहीं जमा कि चलो यार कहाँ इसके लफड़े में पड़ते, अपना जो टैंकर वाला काम है वही बेस्ट है। तो देखिए, इस ड्राइवर की मैं विशेषता बताता हूँ कि देख, इसके अंदर टायर बता देता हूँ कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो 12 वैसे है ये, इसको 4, 8, 12, 14, 16, 18 टायर, 18 टायर ये गाड़ी है। ठीक है, 18 टायरी गाड़ी के अंदर देखिए पहिए, मान लिए बहुत ज़्यादा पहिए होते हैं, पर लेकिन वो मैंने एक बात आपको ज़रूर बताई थी कि अगर कोई सीट पर बैठ जाए तो वो ड्राइवर नहीं कहलाता है, तब तक उसको ज्ञान नहीं होता है। तो जिस टाइम मैं इस गाड़ी को लेकर गया था, तब भी इसके गाड़ी के जो वे अगले वाला टायर दिख रहा है वो भी पिंचर था तब भी, और अब भी इस गाड़ी के अंदर टायर पंचर है, और वो कौन सा टायर पंचर है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, ये जो है एक रास्ता निकलता है यहाँ से, ये मेरे जो है गांव का ही रास्ता है, स्कूल है ये अपना गांव है सामने। तो अब देखिए, इसके अंदर एक टायर पंचर है, और उस टायर के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो बता दूँ कि इसमें जो है सीमेंट ऊपर से डाली जाती है, ठीक है, नीचे से भी निकल जाती है सीमेंट, और पीछे से, पीछे का सिस्टम तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसमें चलिए एक बार आप इसको फुल रिव्यू करके दिखा देते हैं। देखिए, श्री श्रीनिवास शारदा, वैसे किसी की, ये देखिए पीछे एक दिया हुआ है पाइप सा, ये देखिए ये पीछे पाइप दिया हुआ है, यहाँ से जो है इसमें सीमेंट निकलती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टायर कौन सा पंचर है, तो नज़र से भी बता सकते हैं अगर आप पुराने एक्सपीरियंस मैन बंदे हैं कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल देखिए, जो पिछले 4 टायर हैं, जो पिछले 4 टायर हैं वो तो मान लीजिए कि सेफ होते ही हमेशा, और ये जो अगले होते हैं 6 टायर पिछली साइड लगा लीजिए, तो इनका चल जाता है, क्योंकि इतना बड़ी गाड़ी है, इतने टायर हैं, तो चल जाता है, ये हमेशा ही पंचर से होता है टायर। लेकिन उस टायर को देखिए, सबसे पिछले टायर को आप गौर से देखिए कि ये पंचर है या नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी पहचान मुझे क्या हुई कि ये देखिए, ये जगह इसमें बहुत ज़्यादा छोड़ रखी है, जिससे मुझे दूर से ही अंदाज़ा होगा कि हाँ भाई ये टायर है पंचर। और इस पर एक बार मैंने ऐसे किया, देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल। अब इस टायर के अंदर मैं आवाज़ दिखाता हूँ, इसमें आवाज़ आई है और उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं। टायर भी आपको देखिए, छोटा बड़ा टायर दिख रहा है। तो ये गलतियाँ होती है, छोटी मोटी गलती होती है, सुधार करना चाहिए आदमी को। जब तक कुछ दिमाग में बात नहीं बैठती है तो ऐसा ही होता है, जो अनट्रेंड होते हैं, जिनको कम थोड़ा ज्ञान होता है, फुल ज्ञान ही नहीं हूँ मान लीजिए, बात हूँ या नहीं हूँ वो तो सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं, दूर से बता सकते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, वीडियो छोटा सा है लेकिन कुछ जो नॉलेज है वो बहुत बड़ी है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमेशा रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।